हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय वीडियो नंबर 85। और 85 में लेके आई हूँ, दिखाने जा रही हूँ आपको एक खूबसूरत 925 स्टर्लिंग सिल्वर का एक बेहद आर्टिस्टिक जड़ाऊ पीस। तुर्किश एंड मुगल जड़ाऊ की कंबाइंड आर्ट का ये पीस है। तुर्किश जड़ाऊ आर्ट एंड मुगल जड़ाऊ आर्ट का ये कंबाइंड। कितने सारे इसमें जेम्स लगे हैं, नव रत्न लगे हैं इसमें। सारे के सारे पर्ल्स ओरिजिनल हैं, 925 ओरिजिनल सिल्वर में है। आप ये देखें इसकी लेंथ, इसमें देखें कितनी अच्छी इसकी लेंथ रखी गई है, बड़ी सोफिस्टिकेटेड लेंथ है ये। और ये देखिए, ये इसके अब इसी की ब्यूटी को इन्हांस करने के लिए, क्योंकि ये बड़ा पेंडेंट है, आप अगर मेरे हाथ में देखें तो इतना बड़ा पेंडेंट है, इसकी ब्यूटी को इन्हांस करने के लिए ये देखिए ये बनाया गया, जिसके नीचे जो ये पर्ल्स की लटकन है, जो इसका नीचे ड्रॉप्स हैं, ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगते हैं। इसके नीचे वाले ड्रॉप्स और इसके नीचे वाले पर्ल्स ड्रॉप्स एकदम आई कैचिंग है, बहुत खूबसूरत। एक तो हो गया ये सेट आपके लिए, और इसके साथ मैंने कंबाइन किया है एक रिंग को, एक ब्रेसलेट को। अगर आप देखें, इन सब का एक ही डिज़ाइन है। ये देखिए, कटिंग एक हुई हुई है, एक ही चढ़ाई हुई हुई है, एक ही कलर कॉम्बिनेशन है। ये देखिए, जो इसके यहाँ पे है वो मेरी मतलब प्रॉपर कॉम्बिनेशन में है, रेयर पीस, फैंटास्टिक पीस, देखने में इस तरह का लगेगा। ये लेंथ इसकी बढ़ा दी जाएगी, ये लेंथ लगे। बारीक के काम की मेरे पास, मैं हूँ जड़ाऊ की मैन्युफैक्चरर, बेहद बेहतरीन से बेहतरीन मेरे कारीगर मेरे काम करते हैं। और ये देखिए, इसकी मुझे खुद वर्ड्स नहीं, मैं कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, एक रॉयल एरा को प्रेजेंट करता हुआ ये डिज़ाइन, मुगल इंस्पिरेशन का ये डिज़ाइन, 925 स्टर्लिंग सिल्वर में एक ये इतना बेहतरीन काम। इसके ऊपर जो हाईली गोल्ड पॉलिश है वो इसको इतनी रियल गोल्ड लुक देती है, इतनी इसकी ब्यूटीफुल करेक्टरिस्टिक्स हैं जो मैं बता नहीं सकती। इसको अगर किसी ने डाला हो, देखने वाला हाई बस निकलेगा, इतना खूबसूरत पीस है। जेवर है, चांदी का है, जेवर है, रीसेलेबल है। इन्वेस्टमेंट करते हो अगर आप कॉपर के लेते हो, इट्स ज़ीरो इन्वेस्टमेंट। आप बाकी जितनी आप इमिटेशन ज्वेलरीज लेते हो, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट आप लीजिए, ये रीसेलेबल है। ये इन्वेस्टमेंट हमें आपके आने वाले समय में, चांदी का रेट देखिए कहाँ से कहाँ तक चला गया है, ऑलमोस्ट डबल हो गया। तो जब ये अपना रेट निकाल देगा, ये तो आपकी एक धरोहर बन जाएगी। आप आने वाली पीढ़ी को, अपने बच्चों को, बेटियों को, बहुओं को इस तरह की चीज़ें देंगे तो आगे चलेगा। जेवर है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, हम भी तो लेके आए हैं पिछला जेवर। आप ये देखिए, हर घर में ऐसा होता है, सोना सोने में बनाना है, जो बना सकते हैं 8-10 लाख का दे सकते हैं, पर हर कोई नहीं दे सकता। अब ये कुछ हज़ारों में बनेगा। देखो कॉस्ट है, चांदी है, एक अच्छे नग हैं, एक पर्ल्स का काम है, एक इतनी बड़ी लेबर का काम है, एक इतना अच्छा गोल्ड की पॉलिश है। प्राइस पर कुछ हज़ार दे के आप इसको बनवा सकते हैं। आपकी मर्ज़ी, आपने ब्रेसलेट बनाना है, आपने रिंग बनाना है कि खाली सेट लेना है, ये आपकी मर्ज़ी है। हमने इसमें ये आप ही आपने खाली स्टड्स बनवाने हैं, ये सब कुछ सिल्वर पे हम लोग सिंगल पीस कोई भी दे सकता है, कोई भी किसी पूरे कॉम्बो का ऑर्डर दे सकता है। खाली नेक पीस, नेक पीस अगर हार सेट लेते हैं तो उसमें नेक पीस एंड इयररिंग्स आएंगे, आप उसका ऑर्डर दे सकते हैं, आप रिंग का ऑर्डर दे सकते हैं, पर अगर कंबाइन लेते हैं तो बहुत अच्छा है। सबसे अच्छी ब्यूटीफुल थिंग क्या है, आप ये जेवर होने की वजह से, आप देखिए किसी की एनिवर्सरी है, आपकी 25th एनिवर्सरी है, आप ये डालिए, लोग कहेंगे आपको, आप किसी को भी बोलेंगे 25th एनिवर्सरी पे मुझे ये सेट गिफ्ट में मिला है, तो लोग वाह वाह करेंगे। अगर आपकी बेटी की किसी फर्स्ट एनिवर्सरी है, या किसी बहू की फर्स्ट एनिवर्सरी है, आपकी सिस्टर की है, आपके घरों में कोई रिसेप्शन या वलीमा है जिस पे आपने गिफ्ट देना है, अब आजकल के रिंग सेरेमनी पे गिफ्ट देना है बहुओं को, मेरे पास बहुत से ऑर्डर हैं जिसमें ये दिए जाते हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ एक बॉक्स में लगा के जब आप प्रेजेंट करेंगे, आजकल तो बहुत अच्छे बॉक्सेस आते हैं जिसमें ज्वेलरी लगती है, और मैं कहती हूँ सारी बिरादरी खड़ी होकर इनको देखे नहीं पहचान पाएगी, बॉक्सेस में लगवा के अच्छा डिस्प्ले करके इसको दीजिए, और सब लोग स्टनिंग ज्वेलरी कहेंगे,
और एकदम वाह कहेंगे। इतना इसका जो नेक पीस का और इयर रिंग्स का जो वेट है वो 11 तोले का है। बाकी ब्रेसलेट अलग से है, रिंग अलग से है। रिंग 1 तोले की है, ब्रेसलेट के बेच वाला और ये पूरा मिला के सारा कुछ ये तकरीबन 2.5 तोले का बना हुआ है। पर ये जो मेन सेट है ये 11 तोले का है। तो आप देखिए, जब ये आपके डिस्प्ले में किसी भी फंक्शन में जहाँ सब लोग देख रहे हैं इस तरह में ये गिफ्ट के, तो कितना खूबसूरत लगेगा और डालने वाला कितना खूबसूरत लगेगा। हाँ, इवन मैं दिल की बातें कुछ शेयर कर रही हूँ। अगर आपके घर में आपके बेटे की शादी है, बेटी की शादी है, आप किसी एक फंक्शन में ये सारा कॉम्बिनेशन डाल के जाइए जिसमें आप मेन प्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो भी बहुत अच्छा है। एक बहुत ही डिसेंट एंड रिच ज्वेलरी है, एक एलिगेंट ज्वेलरी है। और इसको बनाने वाले जो जितने भी आर्टिस्ट हैं, रॉयल आर्टिस्टिक हैंडक्राफ्ट करने वाले काम। अब ऑर्डर कैसे देना है? ऑर्डर देने के लिए मेरा नंबर डिस्प्ले हो रहा है 6239606573। वहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट डालिए। स्क्रीनशॉट डाल के आप ले सकते हैं। ये देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, और स्क्रीनशॉट डाल के आपने क्या क्या करना है वो हमें बता दीजिए, ठीक है? आप इसका स्क्रीनशॉट लें और बताएं आपको क्या चाहिए। अगर आपने रिंग का लेना है तो रिंग का स्क्रीनशॉट लें, ये देखिए, और ब्रेसलेट का स्क्रीनशॉट लें। अगर आपने ब्रेसलेट ऑर्डर करना है, ब्रेसलेट का स्क्रीनशॉट लें। अगर आपने रिंग ऑर्डर करनी है तो रिंग का स्क्रीनशॉट लें। अगर आपने ये चारों चीज़ों का कॉम्बिनेशन ऑर्डर करना है तो सबका स्क्रीनशॉट लें और मेरे नंबर पे भेज दें। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन पे आपको दिखाई दे रहा है, 6239606573। पर जाते हुए मैं आपको एक बात कहती हूँ, क्योंकि अगर आप लोग ये सब चीज़ें देख रहे हैं, आप मुझे यूट्यूब पे भी देख रहे हैं, फेसबुक पेज पे, इंस्टा पे देख रहे हैं, आप ऑर्डर करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमसे जुड़िए। जुड़ने के लिए आपको मेरा फेसबुक पेज फॉलो करना होगा, जहाँ पे मैं लाइव लेती हूँ वहाँ पे आप मुझे हर वीक देख सकते हैं, डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं। पिछले 5 सालों से मैं लाइव ले रही हूँ, आप देख सकते हैं। उसके बाद आ गया यूट्यूब चैनल। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम आइनास क्रिएशन ज्वेलरी है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इंस्टा पे भी आइनास क्रिएशन के नाम पे हमारा चैनल है, वहाँ पे फॉलो कर लीजिए। पर फेसबुक पेज पे ज़रूर रहिएगा, क्योंकि वहाँ पे लाइव आने की वजह से आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसके अलावा आपने व्हाट्सएप मैसेज करना है तो आपको एक लिंक मिलेगा, हमारे चैनल पे आप ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको डेली अपडेट्स मिलेंगी हर चीज़ की। तो धन्यवाद, आई होप आपने सब कुछ सुना है, और थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी। इफ़ यू रियली लाइक सच डिज़ाइंस एंड यू वॉन्ट टू सी मच मोर डिज़ाइंस इन दैट आर्ट, देन मस्ट फॉलो अस। थैंक यू।